अभी इनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। अब इनको अभिशाप है कश्मीरी पंडितों का, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगे कश्मीरी पंडितों से, इन ये लोग 40 से फिर 4 पे आ जाएंगे, 4 से 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको अभिशाप मिला है। क्योंकि इतने 30 सालों तक हम लोगों को रुलाया इन्होंने, रोडों पे धक्के खलवा दिए, और अब ये जो अभी राजनीति कर रहा है, इसको लग रहा होगा जैसे मैंने वायनाड से कर लिया है तो वायनाड जीत गया, और अब मैं वहाँ पे जाके वो वाला सीट जीतूंगा। सीट कितने जीतेगा, वो तो ऑलरेडी मोमडन डोमिनेटेड है, वो तो आप वैसे भी जीत जाओगे। डिलिमिटेशन आप जम्मू में करके दिखा दो, फिर आप CM बना के दिखा दो ना वहाँ पे, आप डिलिमिटेशन तो करिए। अब डिलिमिटेशन का एक प्रपोजल तो आया हुआ है, जब डिलिमिटेशन हो जाएगी तो 57 सीट्स तो चली जाएंगी, 46 इनकी रह जाएंगी, तो आपका 57 से तो CM बन जाने हैं, तो वहाँ 46 तो कुछ होना है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इनकी समीकरण तो वहाँ बैठने वाला नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि मैं मानवाधिकार पार्टी नेशनल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमें पता है इनकी कितनी आज की डेट में वहाँ पर ज़मीन है, इनकी ज़मीन तो सारी खिसक चुकी है। अब इनके पास सिर्फ ये बचा है कि मैं मुद्दा कैसे बनाऊं। और दूसरा, अब ये तो जो है जितने भी उन्होंने घोटाले किए हुए हैं, अब उनसे बचने के लिए भी ये एक मुद्दा इनको ज़िंदा रखना है, क्योंकि अभी आपने देखा चिदंबरम जी अंदर गए हैं, अब चिदंबरम है जी तो ख़त्म हो गया, क्योंकि जब ये क्रिमिनल हो गया तो चिदंबरम हो गया, एंड मे बी द क्रिमिनल चिदंबरम, अब वो तो चला गया। अब जो हरलाड केस में जो ये है मैडम जी है, हाँ नेशनल हेराल्ड, एक तो सोनिया जी है और एक राहुल जी है, जब तक बाहर है तो जी बोलेंगे, तो ये भी अहमद पटेल भी जाएगा, ये तीनों जाने वाले हैं। अब इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की बात है, तो क्योंकि अब इनको कोई ना कोई किसी न कहीं पे तो आग लगानी है। अब कश्मीर का मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान साथ देगा, अभी इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, तो इंटरनेशनल मुद्दे की वजह से हो सकता है 2-3 महीने ये बाहर रह सकते हैं, ये इनका मेन मुद्दा है। जो ये इनका जो शिष्टमंडल जो जा रहा है 11 सदस्यों का, इनको ये याद नहीं है कि इनके पार्टी के जो है एक लोकसभा में जो नेता हैं सुधीर रंजन चौधरी, उसने जो पाकिस्तान जो भाषा बोलता है, इन्होंने बोला था कश्मीर जो है UN का मामला है, तो आज उनको ये याद नहीं है, और वो क्या मुँह लेकर के जो है कश्मीर में जा रहे हैं। अगर वो UN का मामला है तो आपको तो सपोर्ट, आपको तो जाना ही नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तान के साथ बात करो ना, आप POK में जाओ ना, वो भी तो UN का मसला है, आप POK में बात क्यों नहीं कर रहे हो, पहले तो आप POK से स्टार्ट करो। अब तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है, ये तो हटने वाला नहीं है अब तो, क्योंकि यूनियन टेरेटरी बन गई, भूल जाओ, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, गवर्नर प्रेसिडेंट साहब के साइन हो गए, और 31 अगस्त तक ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाने वाला है, और उसके बाद तो जो है आपकी गवर्नमेंट यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिवेट हो जाएगी वहाँ पे। अब इनका जो गुलाम नबी आज़ाद का पॉइंट है, गुलाम नबी आज़ाद जी को ये तब तक नहीं पता था कि जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया था, कश्मीरी पंडितों को, मेरे घर में 17 मिलिटेंट आए थे, 17 मिलिटेंट, मेरा फादर आर्मी में था, और आर्मी की वजह से हमारे घर में तलाशी की गई, और मैं वो आदमी था, क्योंकि जब सारे मेरे गांव के निकल गए थे, मैं हम लोग वहीं रह गए थे, क्योंकि हमें आर्मी का बड़ा भरोसा था, पर जब हमारे पास 17 मिलिटेंट घर पे आ गए तो हमें वहां पे निकलना पड़ा। तो ये गुलाम नबी आज़ाद तब कहां थे, तब ये रोना क्यों नहीं आया उसको, आज वो रो रहा है क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो सिर्फ आर्टिकल हटाया, कागज़ों में फेरे बदली हुई है, कागज़ ये है कि भाई आप गलत करोगे आपके कानून के शिकंजे में आओगे, पहले आप नहीं आते थे, हम तो यही तो कर रहे हैं, हमने सिर्फ कागज़ों में फेरबदल किया है, जो आपने टेम्परेरी कहा था हमने उसको टेम्परेरी हटा के ख़त्म ही कर दिया। ये तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये था कि भाई हमने कोई, हम उन्हीं लोगों को अडॉप्ट करें। अब मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात बता दूं, वहाँ पे जो अभी अजीत डोवाल साहब ने दिखाई ग्राउंड लेवल, दैट इज़ फैक्ट, और मेरे पास वहाँ से लोग चल के आए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन नहीं चल रहे थे, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अगर मान लीजिए मेरे को मेरे पे ख़तरा है तो मेरे को अपनी पहले लाइन बंद करनी पड़ती है। तो वहाँ से लोग आए, चंडीगढ़ से मेरे को फ़ोन आया 4 लड़कों का, जो मेरे दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त है, उन्होंने कहा कि जो आज हिंदुस्तान ने कदम उठाया, काश ये 30 साल पहले उठा देते तो हम भाइयों को अलग नहीं करते, हम भाई अलग अलग नहीं होते।
तो ये जो भाइयों को अलग किया इन्होंने, मैं मुसलमान 80% लोग सही है वहाँ के, और 20% जो लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो आज भी कर रहे हैं, वो तब भी कर रहे थे और वो आगे आने वाले समय में भी ये लोग करेंगे। उनको 80% लोग साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर ज़मीन अपनी निकाल के लाया हूँ, मैं वहाँ पर तहसीलदार से मिला, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मिला हूँ, मैं वहाँ पर पटवारी से मिला, मैं गाँव गाँव गया हूँ वहाँ पर और बाई फुट गया हूँ मैं, और उनकी ही गाड़ियों में, वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं उनकी ही गाड़ियों में, मैं कह रहा हूँ अभी भी 80% लोग वहाँ गलत नहीं थे। वो जो 20% लोग हैं जिन्होंने ये इस्तेमाल किया है, जिन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप ले लिए और पाकिस्तान की गुनगा रहे थे, चाहे वो बुड्ढा हो, क्या नाम है उसका, गिलानी, हाँ चाहे वो हो, ये सब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। हमें तो उसका नाम भी याद नहीं रखना है, क्योंकि दिस गाइज शैल नॉट बी कीप इन माइंड। वो तो ऐसे डिस्गस पीपल है कि जिसको हमें कभी याद नहीं रखना चाहिए। तो हम उन लोगों से प्यार करेंगे, आगे भी जाके करेंगे, और उन लोगों से भी काम करेंगे, हम भी उनके साथ काम करेंगे। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, वो मैं नाम नहीं लूँगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखता है वो वहाँ पे, पर पहले भी ये बात चली थी कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करेंगे, उन्होंने ज़मीन नहीं दी क्योंकि 370 आर्टिकल था, ज़मीन नहीं दी उन्होंने। वहाँ पे सर्च चली, 5-5, 6-6 महीने सर्च चली है कि भाई कश्मीरी पंडितों को कहाँ बिठाएंगे, कह रहे ज़मीन नहीं है यहाँ पे, तो ज़मीन कहाँ गई हमारी, हमारी 40% की वहाँ पे हम लोग कमांड करते थे, तो वो ज़मीन कौन खा गया हमारी। तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को जो डिस्ट्रेस सेल है वो भी हम आगे बढ़ाएंगे। और इनका अच्छा जो शिष्टमंडल राज गया वह है राहुल गांधी का, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं राहुल गांधी जी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, आप जो भी हिंदुस्तान के हित में है, आर्टिकल 370 हट गया है, इंडिया के बड़ी वाहवाह हो रही है पूरे वर्ल्ड में, जैसे वर्ल्ड में हो रही है वैसे आप भी करो। आप 40 जनों से कुछ नहीं होने वाला, आप 40 जने चुपचाप रहो, जैसे अभी चल रहा है, जैसे आप देख रहे हो बाकी नेशनल पार्टीज, बाकी नेशनलिस्ट जैसे करते हैं। आप चाहे देखिए यूएस में अगर कोई WTC के बाद जो भी वहाँ पे कोई भी कानून पास हुआ है, सबों ने सपोर्ट किया, चाहे अपोजिशन में रहा चाहे वो गवर्नमेंट में रहा। मैं राहुल गांधी जी से, खैर राहुल गांधी को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो समझने वाला नहीं है, मैं गुलाम नबी आज़ाद से और सोनिया गांधी जी से जो प्रेसिडेंट है अभी UPI की, उनसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो अपोजिशन ना करें, इस गवर्नमेंट को चलने दें और गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहें, क्योंकि जो जो ये डिसीजन लिए जा रहे हैं ये हमारे राष्ट्रहित के लिए है और पब्लिक के हित में है। पब्लिक हमेशा आपको याद करेगी कि आपने वहाँ पे साथ दिया था, नहीं तो आप जो भी करोगे आपको तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, पर आप नेगेटिविटी में आ जाओगे। राहुल गांधी क्या देखने जा रहे हैं? राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने के देख से जा रहे हैं, उसको बहका रहे हैं फिर वो अपनी पार्टी के हेड किसी तरह की, राहुल गांधी उसका कोई उससे कुछ होना नहीं, क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में कोई डिसीजन लिया गया है, ये कोई पार्टी लाइन से या पार्टी उसमें से अबव है इसमें। राहुल गांधी को पता है, ये विश्वास नहीं है क्या अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे या सेना पे? अपनी अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं, ये सोच रहे हैं शायद कश्मीर से ही हम जिंदा थे, कश्मीर से ही हम उनको हमदर्द बन जाएंगे, अब वो चीज चली गई है। नाउ देयर इज नो इश्यू ऑन दैट कि कोई पार्टी कश्मीर पे कोई पॉलिटिक्स खेल सके, क्योंकि हमने आज भी कहा कल भी कहा कि हमारा 6000 साल का कश्मीरी पंडित का इतिहास है, उसको नेगलेक्ट किया, उसको सब नेगलेक्ट किया। अगर आप नेगलेक्ट करेंगे, आपने कभी उनसे सुध नहीं ली, आप कहते हैं मैं जनेवधारी हूँ, तिलकधारी हूँ, फलानाधारी हूँ, मैं ओरिजिन हूँ, हमने कहा आपने कभी सुध नहीं ली, तो आप उसकी हम गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि वो देखो पॉलिटिक्स में नहीं था, ये ट्रेजेडी थी। मैडम गांधी जब तक थी हमको किसी ने कोई टच नहीं किया 84 तक, तो हमें यही कहना है कि इनको गुमराह किया गया। कांग्रेस लॉबी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कश्मीरी पंडितों के एंटी शुरू से रहे। अगर आप कश्मीरी पंडित का ये आर्टिकल मानते हैं नेहरू को, तो आपने कश्मीरी पंडितों के साथ कौन सी हमदर्दी की भाई, ये बताओ, आपने तो उनको पूछा तक नहीं। तो ये कोई ना कोई उनको गलत सलाह वहाँ पर देता रहा और हम उसके भुक्तभोगी 30 साल से बने रहे। नहीं तो कभी हुआ है कि अपने देश में आज की डेट तक भी हम रिफ्यूजी हैं, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं जो भी खाका बनेगा उसमें प्रॉपर तरीके से हमारा जो है पहले एज ए प्रायोरिटी कश्मीरी पंडितों की, उसके बाद कोई जॉइंट वेंचर अगर कोई बाहर से कोई हमारे बिजनेस पॉइंट पे से उससे आते हैं। और लिमिटेड रेशनिंग होनी चाहिए, राइडर होना चाहिए, ये नहीं कि 50 गज का झुग्गी वाला आके बिहार से कोई आएगा कोई एक ही रिलीजन का और वहाँ
वहाँ उनके साथ मिल जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए. सो इट हैज़ टू बी इन अ प्लान्ड वे, इन अ सिस्टमेटिक वे, वेयर दैट द एबोरिजिन्स ऑफ कश्मीर शुड बी गिवन ऑल प्रायोरिटी एंड प्रिविलेज, एंड उनको देना चाहिए पूरा जो उनका हक भी है एज ए डोमिसाइल. वो एक्चुअली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी मसला है, सिक्योरिटी सेंसिटिव है, चाइना से गिरा हुआ है, रशिया से गिरा हुआ है, पाकिस्तान से गिरा हुआ है, कोई इसके रिपरकशंस का नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं. तो इसलिए उनका दायित्व तो बनना है एज ए नेशनल सिक्योरिटी जो पर्सनली वहाँ जा रहे हैं. जनरली तो काबीना भेजा जाता है, कैबिनेट भेजा जाता है, या अपने एम्प्लॉयज भेजते हैं, ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑन ग्राउंड पे ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए इसको देखना बहुत ज़रूरी है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का दायित्व भी है और उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी रहा है कि इसको देखेंगे ताकि इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो इस मौके पे, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नली तो हमें बहुत ज़रूरी देखना है कि ये हमें इसमें पूरा विजिलेंट रहना है, इसलिए ताकि लोग. पाक ऑक्यूपाइड पहले से ही हमारा था. अगर कोई झगड़ा है इंटरनेशनली भी, अगर इसको जैसे ले जाते हैं, फर्स्ट पाकिस्तान हैज़ टू वोकेट POK बिकॉज इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ये तो एडमिटेड फैक्ट है. हमने अकाई चाइना उधर दे दिया, अस्काई वगैरह उधर, तो छोड़ो उसको. ये गिलगित बल्तिस्तान तो शुरू से इसमें हमारा, आप मानेंगे नहीं, जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड बेमीना में कश्मीर में आए हैं, अभी भी POK के रेवेन्यू रिकॉर्ड उन नाम से दर्ज हैं. तो ये तो किसी रूप में हमने कब छोड़ा था. अब ये था कि जब हमने 47 में इसका एक आपस में एक अरेंजमेंट हुआ, मैकेनिज्म बना गया कि इस तहत भाई आप जो उनकी पहले अगर बोला गया कि ये लैंड हमने क्यों रखी है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो आज़ाद कश्मीर उसको कहते तो हैं, सारा झूठ झूठिस्तान है. वो झूठिस्तान क्या है कि वहाँ के जो लोग, जैसे कश्मीर में हमारे खिलाफ़ भड़काए हमारे ही लोग, वैसे ही वहाँ बलूचिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं. तो वो तो सारे कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से रहना चाहते. तो इशू कहाँ है? इशू सिर्फ अगर कश्मीर पे कोई बात होनी है आज या कल या कभी भी, तो इशू है सिर्फ POK का, उसके अलावा कोई कश्मीर पे बात नहीं. ये सारे बोलते हैं हमसे बातचीत करो, बातचीत करो, चाहे हुर्रियत करती है कोई करती है, बातचीत होगी जब भी कभी होगी तो वो POK पे होगी, उसके अलावा कोई इशू है ही नहीं. देखो मुझे आप बताइए, 70 साल से आप हिंदुस्तान के कश्मीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. ये तो सिर्फ उनको डाला गया मजहबी तौर पे, उनके मुस्लिम होने की वजह से उनके फतूर डाला गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे मुस्लिम थे. सेम इज़ द केस विद POK, वहाँ भी मुस्लिम हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तो मुस्लिम हैं, मगर आप देखिए वहाँ के लोग वो पाकिस्तान की उससे जो है उससे आज़ादी चाहते हैं. तो रहा इशू कहाँ, तो हम लोगों के साथ में तो फिर भी POK के लोग भी साथ जुड़ना चाहते हैं. तो एक इंट्रीगल भारत, इंट्रीगल कश्मीर जो है इस ग्रेटर कश्मीर की लाइन में है, उसको रहना चाहता है. तो ये एक मेन इशू है जिसमें आपको एक ध्यान देना चाहिए कि POK इज द ओनली इशू वेयर ऑन वी कैन एजिटेट ऑलवेज, अदरवाइज देयर इज नो एनी इशू ऑन विच एनी इंडो पाक डायलॉग कैन बी टेकन. द इशू हैज टू बी हमारा अपनी जमीन वापस दी है. हदबंदी की लड़ाई है, ये हदबंदी की लड़ाई है POK और कश्मीर के बीच में, बस मुद्दा वो है. बाकी ये इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि मजहबी तौर पर इसको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये कोई किसी को काबिल वो बर्दाश्त नहीं होगा. 1947 में हमसे POK छूटा कैसे, सबसे पहले उस पर आ जाइए आप. 1947 में जो ये शेख अब्दुल्ला था उसका वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल नहीं होने के कारण उसने वहाँ पे उसका सीज़ फायर करा दिया. सीज़ फायर क्योंकि वो भी नेहरू के थ्रू सीज़ फायर कराने के बाद उन्होंने कहा कि POK छोड़ दीजिए. POK जबकि हमारा पार्ट था, पार्ट होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि शेख अब्दुल्ला की कंसर्न थी वहाँ पे. शेख अब्दुल्ला का अपना पॉलिटिकल विल जो थी वहाँ पे, पॉलिटिकली वो वहाँ जीत नहीं पाता. तो इन्होंने फिर क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट आया कि अब लिमिट करो सीट्स जम्मू की, क्योंकि फिर भी नहीं फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला बनता, तो फिर जम्मू की सीट्स लिमिट कर दी. ये सारी जो रचनाएँ घटी जा रही थी शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में, क्योंकि अब तो ना नेहरू रहा ना शेख रहा, अब हमें POK चाहिए. कश्मीर तो हमारा पार्ट हो गया 101%, उसमें तो कोई अब बात ही नहीं होगी क्योंकि वो तो अब यूनियन टेरिटरी भी बन गया, अब इसमें तो कोई बात नहीं है. अब रह गया पार्ट हमारा POK वाला. अब POK हमें लेना कैसे है, क्योंकि उसके दस्तावेज हमारे पास है, हमारी शारदा पीठ है वहाँ पे, सारे कश्मीरी पंडित अभी आप देख रहे होंगे कि वो पंडिता जी उसके लिए लड़ रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं कि भाई हमें शारदा पीठ वहाँ पे, हमारे वहाँ पे आइडेंटिटीज़ है और उस आइडेंटिटीज़ को हमें वापस लाना है, POK को अपने साथ मर्ज कराना है. ये इंटरनेशनली पॉइंट अब उठेगा अगर हमें इंटरनेशनली यून में जाना भी होगा, जैसे मोदी जी ने अभी ट्रंप साहब से भी बात करी है. तो हमारा पॉइंट सिर्फ यही रहेगा, POK कैसे लेना है, इंटरनेशनली पॉइंट हमारा सिर्फ ये है. क्या
देखो इन्हीं की करनी थी, और ये भी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू के टाइम भी अगर ये क्लेम करते हैं था, उसने भी कहा ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी, ये वक्तन बवक्त के साथ घिसता घिसता अपने आप चला जाएगा। तो ये टाइम राइट आ गया है, इस पर क्या एजिटेट करने की ज़रूरत है या इसको इशू क्या बनाना है? दैट मीन्स कहीं ये इसी को तो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे, इसकी आड़ में ही तो सारी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे थे J&K की? तो ये वक्तन, अब हर एक चीज़ का समय होता है। टेम्परेरी तो उस टाइम उनकी दयानतदारी रही थी कि भाई आगे इसको कैसे करेंगे। जब इसका मिसयूज़ होने लगा, एक तीन डायनास्ट सिर्फ इस पर रूल करने लगे, इसके इर्द गिर्द घूमने लगी, तो इसमें हटाने के अलावा कोई विकल्प रह नहीं जाता था। तो ये विकल्प तो अच्छा टाइम पर, राइट टाइम पर, इसमें गुलाम नबी आज़ाद क्या कहेगा? गुलाम नबी आज़ाद कौन सा पॉलिटिशियन पैदाइशी आज सारा वही सारा मुस्लिमाइजेशन कांग्रेस को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं, यही कोटरी वहाँ बैठी जो बर्बाद कर रही है उनको, अहमद पटेल, सैफुद्दीन सोज, फलाना बब्बर, ये बब्बर आज कांग्रेस का वजूद खत्म करने वाले तो यही लोग हैं। ये राहुल तो एक कठपुतली का पुतला बना के इसको यूज़ करे जा रहे हैं, क्योंकि देर इज़ नो सेकंड लाइन इन एज सच जो कांग्रेस के विराट लोग रहे हैं, जो लोगों उनको साइड लाइन करा दिया गया है। तो इसलिए अगर ये आर्टिकल से कोई मिसयूज़ हो रहा था, somebody has to check it, किसी ने किसी को तो इसको रोकथाम करना था, तो वो वक्त आ गया, तो उसके प्रेजिडेंशियल ऑर्डर तो उस टाइम भी हो सकता था, मगर इनकी मंशा नहीं थी ये करने की। तो अब पूरा मैंडेट के साथ, 3/4 मैंडेट लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेजिडेंशियल ऑर्डर से इसको हो गया, इसमें क्या चीज़ इन्होंने ऐसी रख दी कि जिसमें किसी को एतराज़ है? ये लोग भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव 130 करोड़ की आबादी के रिप्रेजेंटेटिव MP के शेप में हैं, राज्यसभा में हैं, तो एक मैंडेट तो है लोगों का। अब दो आदमी तीन आदमी से बोलने से हम तो इसको, ये तो सर अब आईवाश है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डूबता हुआ जहाज़ रोकने की बात है, इसमें कुछ नहीं होना। एबोरिजन कश्मीरी पंडित इज द डिसाइसिव फैक्टर इन ऑल एनी डील व्हाटसोएवर इन कश्मीर, बिकॉज वी आर द एबोरिजन ऑफ कश्मीर और वी विल नॉट लीव लाइक दैट। हमने 30 साल तपस्या करी, इस चीज़ को देखा, इसको भुगता, हमारे में रेजिलेंस था, हमने बर्दाश्त किया, और आज वो वक्त आया है कि हमें अपना रिक्लेम, अपनी लैंड, प्रॉपर्टी, खलियान, खेत, बिजनेस, सब चीज़ को रिगेन करना है। और एज प्रायोरिटी, ये नेशन की प्रायोरिटी बनती है कि हम लोगों को अपने मूल रूप में ला के उसको फिर से लसा बसा बनाएं, चाहे स्मार्ट सिटी शेप में, चाहे होमलैंड के शेप में, चाहे किसी तरह से भी। हमारा कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए जिस तक कि हमारा जो है, हमारा क्लेम जो हमारा एज ए कश्मीरी DNA जिसे कहते हैं, थ्रू आउट स्कैटर्ड 8-10 लाख का जो भी है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर की, 3500 स्क्वायर किलोमीटर की डिमांड हमें लैंड की होनी चाहिए, जिसमें ये 10 लाख आदमी हमारा सारा समाज है। क्योंकि 300 का आदमी एक स्क्वायर किलोमीटर में चला जाता है, तो 10 लाख का अगर आप आंकलन करेंगे, इट विल कम। हमारे पास कई चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट, जब हमें ऐसा कुछ मौका आएगा, हम उसमें जैसे अभी तक गाइड करते हैं, आगे भी गाइड करते रहें। जय हिंद।